so we light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Hey everyone, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ। वेदू थोड़ी देर पहले ही उठ गया था सो के, है ना वेदू? पहले उठ गया था। और मैं दिवाली का कन भी खरीदा, उसका पटाखा भी खरीदा, धूम-धूम करके दिवाली में मारूंगा। हाँ, तो वेदू सब कुछ खरीदा है और आज बहुत सारा काम भी है, किचन भी थोड़ा क्लीन करना है और बहुत सारे बर्तन भी पड़े हैं और बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करना है। तो दिवाली या होली कोई भी फेस्टिवल्स आता है तो चेंज करती है बेडशीट, तो बस वो चेंज करना है। वेदू को मैंने सुबह काम दिया था कि सारे टॉयज उठा के अब तुम ड्रॉअर में जा लो वेदू, क्योंकि जो भी टॉयज मुझे मिलेगा मैं उसको फेंक दूंगी, तो इसकी वजह से वो सब जल्दी जल्दी उठा और सारे टॉयज जाके ड्रॉअर में रख दिया। तो वेदू बहुत अच्छा। तो बेडशीट जो मैं लेके आई थी दोनों रूम के लिए, वो एक ये लेके आई थी, ये ना थोड़ा सा मरून कलर में है, शायद ये कैमरा पे रेड दिख रहा है बट ये थोड़ा मरून कलर में। रेड ऑलरेडी मैं लेके आई थी लास्ट टाइम। और ये है थोड़ा ब्लू कलर में, तो मैं सोच रही हूँ ये जो ब्लू है वो मैं उस रूम में डालूंगी, दूसरे वाले रूम में। और यहाँ पे ये मरून वाला मैं बिछा देती हूँ या फिर मरून मेरे रूम में डाल देती हूँ और ये वाला वेदू के रूम में डाल देती हूँ। चलो देखती हूँ बिछने के बाद ये कैसा लगता है। तो ये वाला बेडशीट तो मैंने बिछा दिया है और अच्छा लग रहा है यार, ये ना बहुत कपड़ा भी इसका सही है, सॉफ्ट है और प्राइस वाइज भी बहुत ही सही दिया था इसने। तो चलो अब दूसरे रूम में चलते हैं। इस वाले भी रूम का बना बहुत अच्छा लग रहा है और क्वालिटी वाइज यार दोनों का भी सही है और बहुत ही स्मूथ है और कपड़ा भी इसका सही है, फैब्रिक क्वालिटी वगैरह। फिर मैं आ गई हॉल में और यार ये जो कारपेट है ना बहुत ज़्यादा हेवी है, इसको एक बंदा उठा के क्लीन नहीं कर सकता है और इसमें दो लोग चाहिए ही होते हैं। तो बस नितेश भी आके और ये भी थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वाड़ू दिया, पोछा लगाया, तो सब कुछ क्लीन होने के बाद फिर मैं हॉल में आई, मतलब किचन में आई हॉल का काम ख़त्म करके। और दिवाली के विशेज़ आ रहे थे, सबके कॉल्स आ रहे थे, तो मैं वही बात कर रही थी। और फेस्टिवल्स ही ऐसा होता है जब ना लोग आपको कॉल करते हैं, मतलब मोस्टली सब तो बिज़ी रहते हैं यार डेली लाइफ में, तो बस अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर सबसे बात करके फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खीर बनाती हूँ, क्योंकि आज का खाना बहुत ही ज़्यादा बनने वाला है। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो खीर से कर रही हूँ। तो खीर के लिए बस वही मैं चावल ढूंढ रही थी, क्योंकि ना जो सावा का चावल होता है, छोटा छोटा चावल, उसका ना खीर बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसलिए वही मैं ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था। उसके बाद फिर कोकोनट का जो ग्रेटेड कोकोनट होता है ना, तो मार्केट से मैं लेके आई थी, वो भी खीर में मुझे, नितेश को, वेदू को, हम सबको बहुत ही पसंद है। तो सब बस निकाल के डब्बे में देख रही थी कहाँ पे किधर है। कई बार नाम रख देती हूँ पर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। तो फाइनली किचन का काम मेरा हो चुका है और बस मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ पिंग तो नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ मेरे ऑफिस में आज लीव नहीं है, कल लीव है, तो बस लॉगिन हूँ, काम कुछ नहीं है। चलो अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ और उसके बाद मुझे पूजा का भी सब कुछ क्लीन करना है। मतलब ऑलमोस्ट तो क्लीन किया ही हुआ है, बस भगवान के जो कपड़े हैं ना वो मैंने नहीं धुले थे लास्ट टाइम, तो वो अभी जल्दी से मैं धुल देती हूँ। बाकी नितेश ने बहुत हेल्प कर दी, पीछे पूरा बहुत थोड़ा सा गंदा भी था वॉशिंग मशीन मैंने जहाँ पे रखा था, वो कभी हटा के ना ऐसे क्लीन करते नहीं है, तो ये सब जगह बच जाती है, तो वो नितेश ने पूरा क्लीन कर दिया। और दिया को भी नितेश ने थोड़ा सा पानी में डाल के छोड़ दिया है ताकि वो फिर शाम तक ना सूख जाएंगे, बाहर निकाल दिया है। और खाना मैंने सबको दे दिया है, तो लंच और डिनर जब भी फेस्टिवल होता है ना मैं नॉर्मली बना ही लेती हूँ एक ही साथ, मेरे को बहुत सही लगता है कि रात को आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो बस देखो पूजा मैं कितने बजे करती हूँ। फिलहाल तो जा रही हूँ भगवान जी का कपड़े धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं भी जाके नहा लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद और ना वीडियो में आगे बने रहना, मैं बताऊंगी कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया। खाना तो हर फेस्टिवल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, खाने के बिना यार कोई फेस्टिवल नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा ऐसा बनाती भी हूँ और बोलती भी हूँ कि हर फेस्टिवल में ना कुछ अलग, कुछ अच्छा खाना होना चाहिए, तभी मतलब वो ना एक्साइटमेंट रहती है कि अच्छा क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये सब। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और थोड़ी देर के बाद मैं भी मिलती हूँ, जाती हूँ, फाइनली मैं नहा ही लेती हूँ। मशीन में मैंने कुछ कपड़े भी धुलने रखे थे, तो बस उसको मैं ऊपर अलगनी पे डाल रही हूँ ताकि जल्दी सूख जाए, तो फिर मैं फोल्ड करके रख सकूँ। और भगवान की जो चुनरी धोली थी मैंने वो भी सूख चुका है, तो बस थोड़ी देर में मैं डालूँगी अभी। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अलता। ये नहीं लगाऊंगी तो मम्मी मेरी बहुत गुस्सा करेगी, क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती कोई भी पूजा हो तो अलता ज़रूर लगाना। तो वो लगाई। उसके बाद फिर नितेश आए और नितेश बोल रहे थे आज पटाखों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था कि ना मतलब कहीं मिल ही नहीं रहा था। और छोटी सी एक शॉप थी, वहाँ पे इतना भीड़ था, 1000 लोग एक छोटी सी शॉप पे अंदर घुसे हुए थे। तो जो भी मिला बाहर से वो नितेश लेके आ गए, बट इसमें बहुत सारे पटाखे थे, इतना तो हम जला भी नहीं पाए थे रात को। तो वेदू बहुत खुश हो गया था, इतने सारे पटाखे उसको मिल गए थे, तो उसको तो बहुत ही मस्ती हो गई थी। और वो सब कुछ एक एक करके ना निकाल के देख रहा था कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा ऐसा करके पूछ रहा था। तो बस वही सब था और ये सब हम लोग देख रहे थे। पूजा के लिए भी हमने सब कुछ रेडी कर लिया, प्रसाद और फूल वगैरह सब ले आए थे नितेश। और जो भी नए बर्तन है ना उसके लिए भी आज पूजा होती है उसकी, तो सब कुछ हमने लाके वहीं पे रख दिया था। और नितेश भी कुछ कुछ अरेंज कर रहे थे। जल्दी चलो वेदू, रेडी होने, इसको बंद करो। हाँ बहुत सारे, चलो रेडी। हाँ ठीक है, 2 गाने मासी के लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है चलो फिर, ठीक है बाय बोल दो। मैं रेडी होके आपसे मिलता हूँ। वेदू ने तो अपना कुर्ता पजामा पहन लिया है और ये रहा मेरा सूट, ये वेलवेट का सूट है और इसमें ना कश्मीरी वर्क थोड़ा सा किया है। तो ये मैं चंडीगढ़ से लेके आई थी, मेरे और सलोनी के लिए सेम है। मेरा जो कलर है वही सलोनी का भी सेम ही कलर है। तो इसको मैंने सिर्फ एक ही बार पहना था, एक बार मंदिर गई थी मैं शायद, तो तभी पहना था। तो मैंने सोचा चलो ये भी रखा ही है, न्यू ही है तो मैं इसको पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। और उसके बाद फिर मैं पूजा के लिए आ गई थी। यहाँ पे लड्डू और मिठाई जो भी था मैंने सब कुछ निकाला और नए बर्तन में। और उसके बाद पूजा का भी सब कुछ रेडी हो गया था। यहाँ पे जो खीर बनाई थी मैंने वो भी मैंने यहाँ पे रख दी थी प्रसाद के लिए। और वेदू को नितेश को बुला रही थी कि चलो अब आ जाओ पूजा कर लेते, क्योंकि टाइमिंग हो गया था 7:45 हो गया था पूजा का टाइमिंग। तो यहाँ पे हमने पूजा की है। और उसके बाद लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं हम दिवाली में। और ये चांदी का सिक्का मैंने धनतेरस में लिया था तो उसको भी मैंने रख दिया था, उसमें भी बने हैं लक्ष्मी जी गणेश जी। और यहाँ पे दिया मैंने जला लिया और भगवान के पास दिया जलने के बाद ना फिर सारे घर में दिया दिखा दिया था। और वेदू को मैं बोल रही थी वेदू अब बैठ जाओ, वो उसको तो मिठाई खाना था पूरे टाइम, मीठा मीठा मीठा। तो ना यहाँ पे बस सबको खिला के और थोड़ी देर में बैठ गई थी, क्योंकि सुबह से ना बस लगी थी तो बहुत ज़्यादा कमर में भी दर्द हो रहा था और थोड़ा सा पैर में भी दर्द हो रहा था। तो बस बैठी थी और उसके बाद सोची अब नीचे जाती हूँ। हम रोनिया के कोई ना रोला, अभी निमन हो जाम तो सही हो जाम, जाइए भाई निकलिए। अरे फोटो बना रही है, वेदू के साथ में लेते हैं, सब साथ में लेते हैं, बस साथ ही हम। अच्छा फोटो लेना है, फोटो वीडियो बना रही हो। हां ठीक है, हैप्पी दिवाली। सबसे मिलने के बाद फाइनली अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो वेदू तो बहुत एक्साइटेड था, पटाखे वगैरह वो अपने रेडी कर लिया था। और यहाँ नितेश पैसे डाल रहे इनवेलप में, जो हमारे गार्ड्स हैं नीचे बिल्डिंग के तो उनको हम हर साल पैसे देते हैं, तो नितेश इनवेलप में वही डाल रहे थे। और यहाँ पे प्रसाद है, तो 4 लोग हैं तो मैं वही उसी के हिसाब से मैं 4 प्रसाद मैंने बनाया था और वो लेके नीचे जा रही थी। और वेदू को बोल रही थी साथ में चलो, क्योंकि यार दिवाली का टाइम है, क्या पता किसी ने अगर अंदर पटाखे जला दिए तो फिर थोड़ा लग सकता है, तो इसलिए बोल रही थी। पर वो कहाँ ही सुनने वाला है, वो तो अलग ही उसका एक्साइट लेवल था और वो आगे आगे भाग रहा था। तो यहाँ हम नीचे आ गए थे और यहाँ पे भैया को मैंने प्रसाद दिया और वेदू ने इनवेलप दिया सबको। और यहाँ पे आप देखो पूरे ग्राउंड में सब लोग ही आ गए थे और हर एक बिल्डिंग से लोग आ गए थे और सब लोग पटाखे जला रहे थे। और इस बार की दिवाली भी बहुत ही अच्छी रही। पटाखे जला के हम ऊपर आ गए हैं और बारिश शुरू हो गई थी तो इस वजह से थोड़ा और जल्दी आ गए हम, नहीं तो थोड़ी देर और डूब जाते नीचे। बहुत अच्छा लग रहा था और ये दिवाली भी अच्छी गई और भगवान की कृपा से आगे जितनी भी दिवालियाँ है सब कुछ हंसी खुशी, सबकी फैमिली सब कुछ अच्छा रहे भगवान की कृपा से। तो चलो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने और उसके बाद पूरी बनाएंगे, क्योंकि खाना सब कुछ बना हुआ है मेरा, बस पूरी बनाना है मुझे। तो उसके बाद हाँ मुझे बताना भी है कि आखिर मैंने क्या क्या खाना बनाया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलो फटाफट से मैं पहले चेंज कर लेती हूँ यार। तो सबसे पहले हमारे प्लेट में है ये ओल, ओल का भरता आज सबके घर पे ही बनता है मोस्टली दिवाली वाले दिन। और ये है पूरिया, उसके बाद है फ्राइड राइस जिसमें मैंने सोयाबीन भी डाला था जो वेदू को पसंद है। फिर था हमारा गोभी मंचूरियन, अगेन वेदू का फेवरेट मंचूरियन, वो उसको बहुत पसंद है। और उसके बाद खीर, खीर भी आज दिवाली वाले दिन हर घर में ही बनता है। और ये पनीर मसाला जिसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाला था। तो आज का जो थीम था वो खाने का हमारा थोड़ा सा इंडियन और चाइनीज़ मिक्स करके मैंने रखा था। आपको कोई भी रेसिपी रेसिपीज जाननी है तो मैंने शॉर्ट्स बना के डाला है, आप प्लीज़ जाके चेक कर सकते हैं। और मिनटों में आप ऐसा खाना अपने घर में भी बना सकते हैं। तो होप यू लाइक माय वीडियो। और आपके घर पे क्या क्या बना था प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।